साथियों, खास करके मैं आपको इस 22 तारीख के बारे में बताना चाहता हूँ जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया है। ये हमारे देश के लिए सभी के हित में है। खास करके ये जो 7-8 दिन का पीरियड है ये बहुत ज़रूरी है, मैं आपसे बताऊँ, क्योंकि ये तीसरा चरण कोरोना का प्रारंभ हो चुका है, जिसको कम्युनिटी इन्फेक्शन के नाम से हम कहते हैं। इस समय कि अंतराल एक व्यक्ति से दूसरे में ये बड़ी तेज़ी से फैलता है। इस समय यदि आपने परिवार को बचा लिया तो समझो आपने आधी जीत हासिल कर ली। साहसी बनिए, पर सिर्फ हम ही बुद्धिमान हैं ऐसा समझने की बेवकूफ़ी मत कीजिए, क्योंकि अमेरिका, यूरोप, प्रधानमंत्री कार्यालय, IIM, IIIT ये सभी बेवकूफ़ नहीं हैं जो स्कूल कॉलेजेस मॉल बंद करवा रहे हैं। तो बहुत आवश्यक हो तो बाज़ार से सामान लाइए, अन्यथा कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड में जाने की कोशिश न करें, क्योंकि ये गलतियाँ आपने देखी है, दो देश हमारे से पहले कर चुके हैं। स्पेन इसका परिणाम भुगत चुका है, इटली इसका परिणाम भुगत चुका है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इससे सीख लेके हम ये गलती न करें, क्योंकि ये मैं आपको बता दूँ ये कोई साहसी कदम नहीं है, ये बेवकूफ़ी भरा रहेगा। तो हम अपनी गलती के कारण किसी और को सजा दें ऐसा सही नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे चाहूँगा कि खास करके 7-8 दिन के लिए आप खास करके थोड़ी सी इनायत बरतें। देखिए, मैं किसी पैथी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, कोई कितने भी दावे करे COVID-19 का इलाज नहीं है। फिलहाल जो कह रहा है वो शायद सही नहीं कह रहा है, मैं यही कहूँगा आपसे। इसलिए सबसे अच्छी चीज़ें हैं कि इससे बचाव कीजिए। आप घबराने की आवश्यकता नहीं है, पर अनावश्यक घूमना, गोष्टियाँ करना, मिलना कुछ दिनों के लिए बंद कीजिए। केवल ये दूरियाँ ही बचा सकती है। मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर्स कोई भी प्रोटेक्टिव नहीं है, ये सिर्फ सहायक हो सकते हैं। आप नहीं भी करते हो तो अपने आप अपनी चिंता बेशक न करें, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपकी वजह से आपका परिवार को संकट में न डालिए। तो फिर मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इसको आप जागरूकता से ध्यान में रखते हुए पालन करिए, और बस भीड़ से बचें, जागरूकता के साथ सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।